हमारे पास आ जाए 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसे सॉल्व कैसे करना है, इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। आप एक याद कर लेना, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। जब ओवर में जाता है टेन थीटा इक्वल्स टू वन ओवर कॉट थीटा, तब ये कॉट में चेंज होता है टेन कॉट में, तो अब भी ये कॉट में चेंज होगा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, साइन हो गया टेन हो गया, कॉट भी हो गया, साइन के साथ साथ कॉस भी हो गया आपका, रह के गया हमारे पास सीकन एंड कोसीकन। सीकन 90 माइनस थीटा होता है कोसीकन थीटा, एंड कोसीकन 90 माइनस थीटा होता है सीकन थीटा होता है। अंडरस्टैंड बेटे? सो मैं इसे रेज कर रहा हूं क्योंकि इसकी हेल्प जब मुझे पड़ेगी मैं लिख लूंगा। ओके, सबसे पहले इसे स्टार्ट करना है, कैसे करोगे? स्टेटमेंट लिख, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री, एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा बेटे। देखो किसी एक को चेंज करना है, 18 एंड 72 का प्लस कितना बन रहा है? 90 बन रहा है ना। अगर दोनों का प्लस 19 बन रहा है तो किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को। मैं अगर ऊपर वाला चेंज करना चाहूं तो मैं ऊपर वाला कर सकता हूं, नीचे वाला चाहूं तो नीचे वाला। देखो साइन को तो मैं साइन ही रखूंगा, बट ध्यान से देखो 18 को मैं चेंज करूंगा किसी और फॉर्म में। मैं इसे बोल सकता हूं 90 माइनस 72 डिग्री, अपने आप लिखते जाना बेटे। देखो साइन का साइन आ गया, 18 को रिफॉर्म कर दिया, मतलब और शेप में आपने चेंज कर दिया, क्या आया 90 माइनस 72, तो 18 ही होता है। ओके नो प्रॉब्लम, साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा इज 72। So we will use this property. Sin 90 minus theta क्या होता है बेटे? Cos theta. Cos theta. So इसका बनेगा cos theta. Theta क्या है? 72. Degree बोलना मत, साथ के साथ अपने आप लगाते चलना। अच्छा, same चीज को same चीज के साथ divide करें, तो one आ जाता है। तो final answer क्या आया बेटा आपके पास? One आया। अच्छा, किसी बच्चे का दिमाग काम करता है कि सर मैं तो नीचे चेंज करूंगा। ओके, अगर आप नीचे चेंज करते हैं तो कैसे होता, वो भी करके दिखा देता हूं। साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री, दोनों का पहले तो प्लस देखो 90 बन रहा है। मैंने ऊपर वाले को कुछ नहीं कहा, ऐसे के ऐसे छोड़ दिया। साइन 18 इसको चेंज करेंगे, देखो पहले कॉस को तो कॉस ही रखना पड़ेगा, रिफॉर्म करना है इसके एंगल को 19 माइनस जो साथ वाला एंगल होता है, तो 72 बन रहा है, कोई चेंज नहीं किया। तो साइन 18 एज इट आ गया बेटे आपके पास, रह गया क्या कॉस 90 माइनस व्हाट इज दिस एंगल थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा इसे, साइन थीटा, थीटा क्या है मेरे पास 18 डिग्री, सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर, वन आ गया। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, प्लीज नोट डाउन बेटा। नाउ स्टूडेंट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, सेकंड तो एज इट ही है, फर्स्ट की तरह है, तो मैं थर्ड करवा रहा हूँ। कॉस 48 माइनस साइन 42 बेटे, पहले तो देखो दोनों का एडिशन कितना बन रहा है, 90 बन रहा है ना, तो किसी एक को चेंज करना है आपने, ठीक है। आप बोलो मैं किसको चेंज करूं, कॉस को। देखो कॉस को तो आपको कॉस ही रखना पड़ेगा, 48 को एंगल को चेंज करना है, 90 माइनस 42 आप डिग्री लिख लेना, ठीक है। माइनस इसको नहीं चेंज करना आपने, किसी एक को चेंज करना होता है। कॉस 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा होता है ना, तो साइन थीटा, थीटा आपके पास है 42 डिग्री,
तो माइनस साइन 42 डिग्री. अच्छा सेम नंबर माइनस सेम नंबर जीरो. सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स, ये आपके थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है ये वाला क्वेश्चन. तो एडिटी यहां पर देखो 90, इनका दोनों का एडिशन 90 बन रहा है. तो पिछले क्वेश्चन की तरह आप इसे कर सकते हो. तो मैं इस बार सेकंड क्वेश्चन करवाने लगा हूं. प्लीज सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट की. tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 tan 67. वो कह रहा है इसे प्रूव करो इक्वल टू 1. ऊपर टू प्रूव लिखा हुआ है ठीक है. टीपी मीन्स टू प्रूव. लेफ्ट हैंड साइड को मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है ठीक है. करूंगा क्या आंसर में जाऊंगा tan 48 लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 tan 67. ओके ध्यान से देखो बेटे इस टर्म का और इस टर्म का एडिशन क्या बन रहा है 90 बन रहा है और इन दोनों का 90 बन रहा है. पहले जिनका 90 बन रहा है उनको एक साथ करो ठीक है. tan 48 डिग्री इसमें कोई रिलेशन ही दिया होगा प्लस का माइनस का तो मल्टीप्लाई तो है ठीक है. tan 48 और साथ में लग जाएगा tan 42 डिग्री. अंडरस्टैंड बेटे. उसके बाद tan 23 डिग्री एंड साथ में क्या लगेगा tan 67 डिग्री क्योंकि इनका 90 बन रहा है एडिशन एंगल्स का. ओके मैं किसी एक को चेंज करूंगा फर्स्ट टू में से किसी एक को एंड सेकंड टू में से किसी एक को करूंगा. अगर मैंने फर्स्ट फर्स्ट करना स्टार्ट कर दिया तो फर्स्ट फर्स्ट कर लूंगा. आपकी मर्जी है सेकंड सेकंड करना है तो सेकंड सेकंड चेंज कर लो. किसी का फर्स्ट चेंज करना है किसी का सेकंड चेंज करना है वो भी आपकी मर्जी है. आंसर सेम ही आएगा. देखो मैं सेकंड चेंज कर रहा हूं इसका tan 48 डिग्री एज इट आया आपके पास तो tan का तो tan ही रहेगा. एंगल क्या चेंज हो जाएगा. एंगल को चेंज करेंगे 90 माइनस ये साथ वाला एंगल आ जाएगा 48 डिग्री. बेटे अपने आप लिखते जाना ये सिर्फ लाइन आपको समझाने के लिए ही लगाई थी मैं आपने नहीं लगाई ठीक है. ओके एक दो फर्स्ट स्टेप भी हो गया सेकंड भी हो गया. साथ वाला क्या है tan 23 डिग्री साथ में tan 90 माइनस साथ में आ जाएगा 23 डिग्री क्योंकि बेटे देखो 67 कैसे बन रहा है 90 माइनस 23 तो आपके पास 67 बन रहा है. ओके मैं यहां ऊपर से रेज कर देता हूं ऊपर लिख देता हूं प्लीज आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स मैं इसको ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूं इक्वल टू लिखा tan 48 डिग्री. देखो tan 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा तो यहां पर लगेगा cot थीटा. थीटा है क्या 48 डिग्री. ओके tan 23 एज इट आया आपके पास और tan 90 माइनस थीटा cot theta theta किस पर क्या है 23 तो आपके पास आ गया cot 23. ओके इक्वल्स टू देखो बेटे अब tan 48 एज इट आ गया. मैंने आपको पहले भी रूल्स करवाए हुए हैं मैं यहां पर लिख देता हूं नीचे लिख देता हूं इसके स्पेस है tan
थीटा क्या होता है, वन ओवर कॉट थीटा। इसमें तो बेटे एंगल चेंज हो जाता है ना, 91 थीटा आ गया, ये पूरा एंगल ये थीटा आ गया, चेंज है, सेम नहीं है। यहाँ पर सेम होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू वन ओवर कॉट थीटा होता है, एंगल तो सेम है ना। तो मैं इसे वन ओवर क्या लिख सकता हूँ, इसे टेन फोर्टी एट डिग्री। ओके बेटे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? फर्स्ट को मैंने एडिट लिख दिया टेन 23 डिग्री, और इसे नीचे लेकर आऊंगा तो 1/10 23 डिग्री। इस रूल को मैंने यूज किया है, अंडरस्टैंड बेटे, समझ आया बेटे? ओके, tan 48 कैंसिल हो गए क्योंकि प्रोडक्ट है इनमें, लिखा नहीं है कुछ तो प्रोडक्ट तो है, ये भी कैंसिल हो गए, तो बचा गया मेरे पास वन, यहाँ से बचा वन, यहाँ से बचा। रिलेशन क्या है सेंटर में, मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन, ये क्या है राइट हैंड साइड। तो आपने क्या लिखना है, देयरफॉर दिस इज नोन एज ए, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। प्लीज नोट डाउन बेटा। ओके बेटा, आपके पास जो सेकंड का सेकंड पार्ट है सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर टू द फर्स्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट की तरह आपने उसको सॉल्व करना है। सो मैं आपको ये थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या रहा है मेरे पास, इफ टेन टू ए इक्वल्स टू कॉट ए माइनस 13 डिग्री, वेयर 18 डिग्री, वेयर टू ए इज एन एक्यूट एंगल। तो मैंने इस चीज से कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है, 2a है क्या मेरे पास, चीज सिर्फ और सिर्फ इफ का मतलब है गिवन है ये चीज। चलो गिवन को नीचे उतारो, पहले तो गिवन आप गिवन लिखेंगे tan 2a इक्वल्स टू, कई बच्चे क्या करते हैं tan s लिख देते हैं, बेटे ऐसे मत लिखना, t से मत स्टार्ट करना, ऐसे करना है आपने tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। समझ लग गया बेटे, किया ही कुछ नहीं मैंने, तो मैंने सिर्फ रीराइट किया है जो स्टेटमेंट मुझे गिवन थी, मैंने आगे रीड किया तो मुझे पता लगता है कि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, ये दोनों चीजें देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ये तो tan है, ये cot है, इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। पिछली वीडियो में मैंने इससे 8.2 में आपको एक क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके ऊपर साथ, तो tan tan थे बोथ साइड, इस बार क्या है एक तरफ tan दूसरी तरफ cot है, मैं एक को चेंज करूंगा कोई भी एक को, ठीक है, बट मैं इस बार इसको चेंज करूंगा, इसको क्यों नहीं क्या करूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी a माइनस 18 है, ठीक है, टू टर्म्स पड़ी है, ये सिंगल है, मैं सिंगल वाली को चेंज कर लूंगा। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan 2a इसको थीटा बढ़ो, tan थीटा क्या होता है, वापस देखो cot 90, इसलिए मैंने रेज नहीं किया ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर यहां पर क्या आएगा 2a आएगा, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 2a, मानते हो इस बात को बेटे, तो मैं tan 2a की जगह में लगा सकता हूँ cot 90 माइनस 2a, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, राइट कर दूँ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया cot 90 माइनस 2a, डिग्री अपने आप लगा देना, इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, cot cot के इक्वल है, तो ऑब्वियसली एंगल एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल पूरे का पूरा ये वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। मैंने वो सर्कल लगाया आपको समझाने के लिए बनाया है, आपके पेपर में नहीं करना है। इट मींस दिस इंप्लाइज 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस
18 डिग्री। आपने तो देखो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो ए वाले एक साइड पर लेकर जाने हैं एंड जो भी कांस्टेंट नंबर है वो एक साइड पर लेकर जाने हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं लेफ्ट में ए लेकर आता हूं, तो देखो क्या बनता है, माइनस टू ए तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इधर से ए आएगा, ये पॉजिटिव है, लेफ्ट आकर क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, माइनस ए बन गया आपके पास। इक्वल टू का सिंबल इक्वल टू की जगह आ गया, माइनस 18 तो ऑलरेडी 90 राइट हैंड साइड है, माइनस 18 डिग्री ये राइट हैंड साइड पर जाएगा, ये पॉजिटिव का नंबर नहीं है, प्लस का नंबर नहीं है, राइट हैंड साइड पर जाकर क्या बनेगा, तो ये माइनस का बन गया। ओके, ये तो टू टाइम है मेरे पास, ठीक है, माइनस टू टाइम, ये माइनस वन टाइम है। ओके, माइनस आप कॉमन निकाल सकते हो, तो आपके पास बचा क्या, 2a प्लस a बचा, चाहे 1a बोल लो इसे, एज इट इज आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस बाहर गई, 18b प्लस का और 19b आपके पास बचे प्लस के बने, समझ लगा, माइनस बाहर निकाल दी। ओके, मैं ऊपर से सॉल्व करता हूं, माइनस का माइनस, 2a प्लस 1a 3a, 3a, 3 टाइम a बोल दो चाहे 3a बोल दो, कोई चक्कर नहीं है, इक्वल्स टू माइनस 90 प्लस 18 108 डिग्री आएगा, वेरी गुड। देखो ये 3a माइनस 3a के साथ क्या हो रहा है, माइनस 3a के साथ क्या हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, a इक्वल्स टू मेरे पास आया माइनस 108 डिग्री डिवाइड बाय माइनस 3, अंडरस्टैंड बेटे, माइनस के साथ ये माइनस कट हो जाता है, चाहे माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, चाहे माइनस को माइनस के साथ डिवाइड कर दो, तो कैंसिल हो जाता है, प्लस आ जाता है। ओके, 108 को 3 के साथ हम डिवाइड करेंगे, रफ वर्क में करके देख सकते हो आपको, मैं यहां लिख देता हूं, 108 को 3 के साथ डिवाइड किया, 3 जा 9, यहां पर 3 आया तो 1 रिमाइंडर, साथ में नीचे लिख रहा है 18 बन गया, 36 जा 18, ये आपने रफ वर्क में राइट में शो कर देना है, ठीक है, तो आपके पास आ गया कटिंग कर कर 36, तो आपका फाइनल आंसर है a इक्वल्स टू 36 डिग्री। ओके बेटे, ये हैज प्रूव्ड नहीं है, मैंने सिर्फ a की वैल्यू फाइंड आउट की है, प्लीज नोट डाउन बेटा। ओके बेटा, आपके पास अब आया फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, क्या चीज गिवन है, इफ tan a इक्वल्स टू cot b, ओके, ये दोनों आपस में इक्वल है, देन प्रूव करना है कि a प्लस b इक्वल्स टू 90, a एंड b का एडिशन 90 बन रहा है, चलो कर देते हैं, गिवन tan a इक्वल्स टू cot b, मैं बेटा की तरह डाल देता हूं इसे, देखो किसी एक को चेंज करना है, किसी भी एक को, तो कौन से को करूं, tan को करूं, tan a, देखो इधर अगर tan a कर दूं तो किसके इक्वल होगा, cot 90 माइनस a के इक्वल होगा, yes, तो यहां पर लिख सकता हूं cot 90 माइनस a लिख सकता हूं, देखो मैंने इसलिए वो अरेंज नहीं कर रहा, इक्वल्स टू cot b, देखो बेटे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, cot cot के इक्वल है, यस सर, ऑब्वियसली, फिर क्या होगा, एंगल 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 के इक्वल होगा, दिस इंप्लाइज, यहां पर दिस इंप्लाइज में डाल रहा हूं स्पेशली 90 माइनस a इक्वल्स टू b, देखो बेटे a को राइट में लेकर जाएंगे, यस सर, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज 90 डिग्री इक्वल्स टू a प्लस b, a प्लस b, तो मैं से लिख सकता हूँ a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री,
हैंड्स ग्रुप। यहां तक बेटे समझ आया आपको? प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स, हमने जो फोर्थ क्वेश्चन किया था एडीडी, उसी की तरह सिमिलरली हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में आप थर्ड की तरह ही है एंड फोर्थ की तरह है, बिल्कुल डिटो है थर्ड की तरह। आप करना चाहते हो फोर्थ की तरह भी कर सकते हो, सेम ही है प्रोसेस दोनों में। सीकेंड फोर है इक्वल टू सीकेंड ए माइनस 20, चाहे तो आप सीकेंड को सीकेंड में चेंज कर लेना, चाहे आप सीकेंड को सीकेंड में चेंज कर लेना, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं नेक्स्ट आपको सिक्स्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ ए एंड बी, इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, कोई आपके पास ट्रायंगल है एबीसी ट्रायंगल है, उसके उसकी जो साइड्स कॉर्नर है उसका नाम तो एबीसी ही है, ए बी सी, जो अंदर एंगल है उनको भी ए ही बोल रहा है। ये भी ए एंगल है, ये बी एंगल है, ये आपके पास बचे सी एंगल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल सर। ओके, देन प्रूव दैट, देन शो दैट साइन बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाय 2। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर में जाओ पहले तो। आपको इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा है, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल गिवन, एंगल ए ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी। तो क्या होगा, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा, 180। यहां पर एक स्टेप नोट करने वाला है, वैसे तो हम क्या करते हैं ऐसे ही लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, बट मैंने ऊपर ही रिप्रेजेंट कर दिया कि ए बी सी क्या है। ठीक है, ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल। तो मुझे ये चीज ना भी लिखूं तो भी मेरा काम चलेगा यार। ठीक है बेटे, मैं ये बात समझानी चाहता हूँ। तो मेरे पास B प्लस सी होना चाहिए, तो B प्लस सी है, A ज्यादा है ना, एक्स्ट्रा है, इसे राइट में लेकर जाता हूं मैं। तो राइट में लेकर जाऊंगा तो मेरे पास बना गया दिस इंप्लाइज B प्लस सी इक्वल्स टू 180, तो राइट हैंड साइड पर ही रहेगा 180 डिग्री माइनस A, क्योंकि इस तरफ प्लस का है दूसरी तरफ जाकर सिंपल चेंज होगा, इसका माइनस का हो गया। ओके प्लीज यहां तक एक बार नोट कर लीजिए, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है ना बच्चे, ध्यान से सुनो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन बी प्लस सी बाय 2 यही है ना, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आते हैं। देखो ध्यान से बेटे, साइन का तो साइन ही रह गया, साइन को चेंज नहीं करेंगे। B प्लस सी क्या है, 180 माइनस इसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दो, तो यहां पर लिखेंगे A 180 माइनस A डिवाइड बाय 2, यहां पर आपके पास राइट हैंड साइड पर मार्जिन होगा तो ये लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसे लिख देना। ठीक है, इसे भी आप रफ में बना सकते हो डायग्राम को, फिर भी जरूरत नहीं है इसकी। तो आपने लिख दिया साइन 180 माइनस ए डिवाइड बाई 2, 2 का 2, बस आपने इसको रिफॉर्म किया यहाँ पर चेंज कर दिया। ओके इक्वल टू साइन का तो साइन आ गया, आप इसे अलग अलग भी कर सकते हो, 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 माइनस ए बाय 2, ये चीज कर सकते हो। एक हिसाब से एलसीएम भी है, एलसीएम इसके नीचे लगा दिया, एलसीएम बाद में इसके नीचे लगा दिया, मैंने अलग अलग कर दिया। ओके साइन का तो साइन इसे कैंसिल किया तो 90 आया, 90 डिग्री माइनस ए बाय 2,
अच्छा साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा बन गया ना आपके सारे सारे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है ना, तो हमारे पास आ गया कॉस थीटा। थीटा क्या है? ए बाय टू। दिस इज राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप आगे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंड्स टू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन बेटा। स्टूडेंट्स आपके पास है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। इनके देखो एंगल्स बड़े हैं, 67 है दूसरे का 75 है। वो कह रहा है इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही लिखना है, बट उनका एंगल क्या रिक्वायर्ड है? 0 एंड 45 के बीच होना चाहिए, इनके बीच आना चाहिए। ओके, मेरे पास जो चीज गिवन है वो लिखेंगे साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इक्वल टू। देखो बेटे ध्यान से, साइन मैं इसे साइन को तो साइन ही लिखने यहां पर रख देता हूं, ठीक है साइन रख दिया। 67 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस, 90 माइनस कितना लिखूंगा? 23 रिफॉर्म करना है इसे लास्ट बेटे। मैं सिर्फ और सिर्फ 67 को ही चेंज कर रहा हूँ, ठीक है बाहर मैंने साइन नहीं चेंज किया, साइन का साइन ही रहेगा। 67 को 90 माइनस 23 23 लिख दिया। ओके प्लस का प्लस, कॉस का कॉस रह गया आपके पास 90 माइनस 15 आ गया बच्चे। ओके देखो ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा तो कॉस ये हमारे पास थीटा 23 प्लस कॉस 90 माइनस दिस इज थीटा साइन 15 साइन 15 थीटा आएगा। थीटा क्या है? 15 डिग्री है आपके पास, यही आपका फाइनल आंसर है। उसने कहा था जो भी एंगल्स आने चाहिए, एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में है, यस है, 0 एंड 45 के बीच है एंगल्स, यस है, तो आपका यही फाइनल आंसर है। हैंस प्रूफ। आपने यहां तक बेटे ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर लेना। सो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू सो मच।